लोग जाए लोग इसी तरह नाला में आदमी गिरता है, आता है जाता है। कैसे आप नगर निगम से नरक निगम बन गए? वादे तो बहुत लोग करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई वादों को निभाता नहीं है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में नगर निकाय चुनाव के ऐलान होते ही प्रत्याशी अपने वार्ड में लोगों को, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अगले 5 साल में वो किस तरह से काम करेंगे उसका कच्चा चिट्ठा वो बता रहे हैं, लेकिन इस जनता की जो अभी बुनियादी समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप खबर छपरा से निकल कर आई है जहाँ पे गंदगी के बीच लोगों को, लोग रहने को मजबूर है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो जो वहाँ के वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो जनता को इस दिलासा दिलाते हैं कि वो जब चुनाव जीत जाएंगे तो वो उन्हें तरह तरह की सुविधाएं देंगे, साफ सफाई होगी, नौकरी की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी जो बेसिक साफ सफाई है, जैसे साफ सफाई की बात कर लेते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जो लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। आप खुद तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो छपरा का वार्ड नंबर 19 है वो किस तरह से गंदगी में है। इसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं वो लोगों को तरह तरह की सुविधाएं देने को की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब बेसिक चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारे संवाददाता को सुनिए, जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड से इस पूरी जानकारी दी है, इस बात की पूरी जानकारी दी है, आप उन्हें सुनिए। मैं छपरा से प्रभास रंजन, और नगर निगम का चुनाव जो है बिगुल फूकने के बाद मैं अभी पहुंचा हूं आपको वार्ड नंबर 19 में, जहां पर आप पीछे में देख सकते हैं किस तरह से ये सड़क का हाल है, वहीं पर आपको कूड़े का अंबार भी नज़र आ रहा है। इस स्थिति में कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे ये तो शायद यहाँ के स्थानीय लोग ही बता पाएंगे। और जिस तरह से लोग जो है यहाँ पर प्रत्याशी जो है अपना नामांकन करने के बाद में और जो है वादे पर वादे किए जा रहे हैं, हर बार चुनाव आता है और वहाँ पर लोग सिर्फ वादे करते हैं। आइए मैं जानता हूँ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं कि क्या इस बार जो है आप जो चुनाव होने जा रहा है और इस जो नरक की स्थिति बनी हुई है, कैसे आप चुनाव करेंगे, क्या सोच के चुनाव करेंगे? अब जैसा नेता लोग चाहते हैं वैसा है, नेता नहीं चाह रहे बदलाव होने का तो कहाँ से हो गया, यहाँ की जनता नाला में नहीं। इस बार तो आपकी अदालत है ना, आपकी अदालत, आपको चुनना है कि कैसे हम चुनाव करें। ये रही है, नेता लोग के हाथ में, नेता बदलाव करेंगे तब ना। कल मुहर्रम था, कहाँ कुछ हुआ, नरक में आए लोग जाए लोग इसी तरह नाला में आदमी गिरता है, आता है जाता है। कैसे आप लोग जाते हैं, क्योंकि पूरा नाला भी जाम है, आपका सड़क भी हिल कर आते हैं, जाते हैं लोग। कुछ दिन पहले सुना था कि यहाँ पर जो काफी ज्यादा पानी लगा हुआ था, तो उसमें कैसे आप लोग इसमें आदमी पानी हिल कर आते थे, जाते थे, प्रतिदिन 2-4 मोटरसाइकिल गिर जाते थे, हम भी लोग गिर जाते थे, बच्चा आता था गिर जाता था, लोग दियारा में जाते थे टहलने के लिए बाजार। इसके पहले भी चुनाव हुआ था तो वादे पर वादे हुए थे जी, तो इस बार भी वादे किए जा रहे हैं क्या? खाली वादे होते हैं, पूरा नहीं होते हैं। खाली वादा पर वादा पूरा होता है लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। वादे पर वादे होते हैं लेकिन वादे पूरा नहीं होते हैं, और चुनाव जो है होने के बाद में कोई इनको पूछता तक नहीं है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सर ये देखें कि आपके पास जो ये नाले के जो है पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है और इसमें जब पानी लगता होगा तो पूरा घुस जाता होगा, इसमें कैसे लोग आप लोग ज़िंदगी बसर करते हैं? ज़िंदगी हम लोग बहुत यहाँ घटिया ज़िंदगी जीते हैं, यहाँ नाला है, यहाँ आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम होता है, मोटरसाइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, रात बिरात को आते हैं तो रात बिरात को भी गिर जाते हैं नाले में, वहाँ रोड है, गड्ढा है, या नगर निगम है, ये नगर निगम कोई कहेगा यहाँ गड्ढा है, यानी कि पूरा ये नगर निगम जो है ये नरक निगम बन गया क्या? नगर निगम से नरक निगम बन गया है। तो ये इसमें बताइए कि इस बार चुनाव होने जा रहा है तो उसमें आप कैसे प्रत्याशी को चुन पाएंगे, क्या यहाँ पर वादे करने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास? वादे तो बहुत लोग करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई वादों को निभाता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग मतलब आपकी नज़र में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो आपके जो वादा करे, काम करे, काम करके दिखलाए जनता को, उसी से ना जनता खुश रहता है। तो इस बार आपको भरोसा है कि बदलाव करेंगे? बदलाव तो हम चाह रहे हैं कि बदलाव हो, इस बार लोगों का है कि किस तरह बदलाव हो जाए ताकि हमारा जो है इस वार्ड का विकास हो सके। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने जो जानकारी हमें हासिल करवाई है उस वो किस तरीके से ये पोल खोल रहा है, नगर निगम का पोल खोल रहा है, और जो प्रत्याशी हैं उनको ये जानना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें लोगों को, जैसे साफ सफाई मिलनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि जनता को अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश की जाए। इस विषय में आपको क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।